गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा दूसरा अध्याय है गोस्वामी गो स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इनका हिंदी साहित्य के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में इनका स्थान आता है। सबसे पहले ये आपके भक्ति काल की राम सगुण शाखा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म यानी हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं। इनका कवि परिचय, इनका जन्म 1590 ईस्वी एवं मृत्यु 1623 ईस्वी। जन्म हुआ था इनका 1590 ईस्वी एवं मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी। स्थान का नाम है बांदा, उत्तर प्रदेश। के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा जिला, जिसका गांव है राजापुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। माता का नाम हुलसी देवी था। अगला है इनसे संबंधित जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, ये भक्ति काल के सगुण शाखा के राम भक्त कवि थे। भक्ति काल की सगुण शाखा के राम भक्त कवि थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में रामचरितमानस
गीतावली कर्षण गीतावली विनय पत्रिका रामाज्ञा प्रश्नावली रामलला नहचु पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवी रामायण बरवे रामायण विरागी संदीपनी वैराग्य संदीप ने ये इनके कुछ बड़े ग्रंथ माने जाते हैं। इन सभी की रचना इनकी भाषा अवधि व उस समय की जो प्रचलित भाषा थी ब्रज भाषा अवधि व ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य पाठ किया। अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य पाठ किया। इन्होंने मुख्य रूप से अपने आराध्य भगवान श्री राम की जीवन से संबंधित आदर्शों को लेकर अपनी कविताओं की रचना की। ये था इनका काव्य परिचय। देखिए कंत का अर्थ होता है पति और कर्ष का अर्थ है विरोध या वेद। हरि का अर्थ होता है ईश्वर और सन का अर्थ है से। सन का अर्थ है से परिहरु। परिहरु का अर्थ होता है छोड़ दीजिए। परिहरु का अर्थ है छोड़ दीजिए। मोर का अर्थ है मेरा। कहा यानी कहना। अति यानी अत्यधिक। और हित का अर्थ होता है भला। हित का अर्थ है भला। हिये का अर्थ है हृदय। धरु का अर्थ होता है धारण करना। अगला है समुजत जासु दूत कई करनी। समुजत का अर्थ होता है समझाना या समझाना। जासु यानी जिसके। जासु का अर्थ होता है जिसके। दूत कहते हैं संदेश लाने वाले को। कई करनी। करनी का अर्थ होता है कर्म या कार्य। कर्म या कार्य। सत्रवही गर्भ रजनी चर। रजनी का अर्थ है राक्षस।
रजनी का अर्थ होता है राक्षस से, सत्रवी का अर्थ है गिरना, रजनीचर यानी राक्षसों, धरनी का अर्थ है राक्षसों की पत्नियां, तासी नारी निज सचिव बोलाई, तासी यानी उसकी, नारी यानी स्त्री या पत्नी, निज यानी अपना या स्वयं का, सचिव का अर्थ है मंत्री, बोलाई का अर्थ होता है बुलाना, पट वहु कंत जो चहु बलाई, पट वहु यानी समझाते हुए, कंत का अर्थ होता है पति, जो चहु बलाई, चहु का अर्थ होता है चाहना, तव कुल कमल विपिन दुखे दाई, तव यानी तुम्हारा, कुल का अर्थ होता है वंश या परिवार, कमल एक प्रकार का जो फूल होता है, विपिन, विपिन का अर्थ है वन, विपिन का अर्थ होता है वन, दुखदाई दुख देने वाला, सीता शीत, शीत का अर्थ होता है शीतल, निशा का अर्थ होता है रात्रि, संग का अर्थ है समान, आई का अर्थ है आना, सुनहु, सुनहु का अर्थ है सुनो, नाथ यानी स्वामी, सीता बिनु, बिनु का अर्थ है बिना, दिनहे का अर्थ होते हैं दिए, हित यानी भलाई, नय का अर्थ है नहीं, तुम्हार यानी तुम्हारी, शंभु, शंभु यानी शिव, शंभु का अर्थ है शिव, और अज का अर्थ है ब्रह्मा, राम बाण अहि, अहि कहते हैं सर्प को, गण सरिस, सरिस का अर्थ है समान, निकर निशाचर भेक, निकर का अर्थ है निकर निशाचर यानी राक्षस, और भेक का अर्थ होता है मेंढक, भेंग का अर्थ है मेंढक, जब लगी ग्रसत, ग्रसत का अर्थ है ग्रसना, सॉरी ग्रसत का अर्थ है चबाना या पकड़ना, पकड़ना, नय का अर्थ है नहीं, तब लगी जतनों, जतनों का अर्थ है उपाय, करऊ यानी कर लीजिए, तजी का अर्थ है त्याग कर। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है, ये तो कुछ विशेष इसमें शब्द थे जिनका मैंने आपको अर्थ बताया है, अब इसकी व्याख्या करते समय मैंने आपको पहले पाठ में जो नियम बताया था प्रसंग या सहप्रसंग, वही नियम प्रस्तुत पद्यांश कवि या सिद्धे, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है या संकलित है, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से संकलित है या लिया गया है, इसमें मंदोदरी, क्योंकि ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल रखी है मंदोदरी की रावण को सीख, इसमें मंदोदरी रावण से, रावण से
सीता को तुरंत श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है। इसमें मंदोदरी अपने पति रावण से, श्री राम की पत्नी है सीता को तुरंत श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है। तो ये तो इसका हो गया सहप्रसंग या प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है या संकलित है। इसमें मंदोदरी रावण से सीता को तुरंत श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है। अब इसकी व्याख्या, व्याख्या में वही उसका सादानुसार जो काव्य पंक्तियों का अर्थ प्रकट हो रहा है वो अर्थ हमें व्याख्या में लिखना है। तो पहले देखिए, कंत करस हरिसन परिहरु मोर कहा अति हिये हित हिये धरु। कंत कार्त मैंने आपको भी बताया था, गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंदोदरी ने अपने पति रावण से हाथ जोड़ करके निवेदन किया और निवेदन करते हुए मंदोदरी कहती है कि हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कथन को समझत जासु दूत करनी, मोर कहा हित अति हित हिये धरु। मंदोदरी हाथ जोड़ करके अपने पति रावण से निवेदन करती है कि हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कथन को अत्यंत प्रियतम या हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मोर कहा अति हित हिये धरु, मेरे कथन को अत्यंत हितकर जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए। अगली लाइन है, तासी नारी निज सचिव बोलाई, सॉरी समुझते जासु दूत कई करनी। आगे मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि जिन श्री राम के दूत हनुमान के पराक्रमी कार्यों का स्मरण करते ही सत्रवही ग्रभ रजनीचर घरनी, राक्षसों की जो पत्नियां हैं उन पत्नी राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्रियतम, यदि आप भला चाहते हैं, तासु नारी निज सचिव बुलाई, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री अर्थात सीता को वापिस भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, क्योंकि सीता तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारे कुल के लिए, कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली सर्दी की रात्रि के समान आई है। निशा का अर्थ होता है रात्रि। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हे स्वामी मेरी बात सुनिए कि आपको सीता को पुनः लौटाए बिना हित न तुम्हार शंभु अज कीने। जब तक तुम श्री राम की पत्नी सीता को पुनः नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे जो आराध्य देव हैं भगवान शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अगला है, राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेंक। राम के जो बाण है वो श्री राम के बाण सर्पों के समान है और जो बाण निशाचर, निशाचर का अर्थ है
राक्षस। श्री राम के बाण उन सर्पों के समान है और राक्षसों के समूह है, किसके समान है? मेंढक के समान है, राक्षसों के समूह है, मेंढकों के समान है। जब तक वे सर्प रूपी बाण जब लागी ग्रसत न तब लगी, जब तक के वो सर्प रूपी बाण इन मेंढक रूपी राक्षसों को डस या ग्रास नहीं लेते, तब तक या उससे पहले ही हट छोड़कर जतनों करहु तजी टेक। उससे पहले ही यानी राम के जो सर्प रूपी बाण है वो तुम्हारे मेंढक रूपी राक्षसों के समूह को जब तक कि अपना ग्रास नहीं बना लेते, उससे पहले ही आपकी क्या कीजिए, अपने राक्षसों को बचाने का उपाय कीजिए और अपना हट छोड़ करके सीता को पुनः श्री राम के पास भेज दीजिए। अब देखिए इसका विशेष कैसे करना है। विशेष में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य बात है वो एक लाइन में लिखनी है। मुख्य बात क्या है इसमें? मंदोदरी के विवेक का उल्लेख हुआ है। दूसरी बात इसकी भाषा क्या है? भाषा आउदी। नंबर तीन वही अलंकार और छंदे, दोहा छंदे। अलंकार कौन कौन से होंगे? रूपक है, अनुप्रास है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, और अतिशयोक्ति। अलंकारों का इस काव्य पंक्ति में प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों, इस प्रकार से अपने व्याख्या संपूर्ण होती है, इसी प्रकार से हमें व्याख्या करनी है। धन्यवाद। कुछ समझ में न आया है तो आप पूछ लेना।